Good afternoon, all of you. Dear students, today's topic will be focus. Today's topic will be focus on your pre-board test portion, that is your perimeter and area and data handling and visualizing solids. Okay. Dear students, first we know about perimeter and area. Here, the chapter is divided into large group. ये लार्ज ग्रुप में डिवाइडेड है ये चैप्टर आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का रेक्टेंगल का एरिया, जिसमें इंक्लूडिंग पाथ, इनसाइड पाथ, आउटसाइड पाथ, पाथ व्हिच गोज फ्रॉम मिडिल ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच आर पैरेलल टू द ब्रेथ और पैरेलल टू द लेंथ, उसी तरह से रेक्टेंगल का ट्रायंगल का एरिया है आपके पास, फिर स्क्वायर का, फिर सर्किल का. So, dear student, first we know about that. What is the area of rectangle? Length into breadth. Perimeter of rectangle? Two into L plus B. और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ ट्रायंगल वन बाय टू बे इंटू बेस इंटू हाइट. Area of equilateral triangle under root 3 by 4 into side square. Area of rhombus. इसमें दो फॉर्मूला हम लोगों के पास है, बेस इंटू हाइट और एक है 1 बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर. वैल्यू ऑफ पाई 3.14. बीच में कोई बच्चे कुछ बोलना चाह रहे थे, गुड आफ्टरनून बोला था और कुछ आना है क्या? चलिए, एरिया ऑफ सर्किल 5R², ठीक है. तो इस तरह से एक बार रिकॉल हम लोग जो है फॉर्मूले को जो है ना रिसाइट करके अच्छे से पेज में एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है. तो मैं एक बार फिर से एक बार रीड आउट कर देता हूं आप लोगों को. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट एंड 1 बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू. डी मीन्स हियर डायगोनल. सेम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर. और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. वेयर वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड 3.14. यस खुशी. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू लेग ऑफ राइट एंगल. जैसे परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वही उसका बेस और हाइट के रूप में यूज होगा.
ठीक है ना, इसमें एकदम कंफ्यूजन दूर रख के हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके रेस्ट टू साइड जो है विल बी ट्रीट एज बेस इन हाइट। यस एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज यूज बाय द हीरोन्स फॉर्मूला वेयर वी यूज एज सेमी पेरीमीटर एंड देयर साइड अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लासेस एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस टूडे तो यू विल डिस्कस हेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हेयर यू वन फिगर इज गिवन हेयर ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर एंड 1 मीटर विड्थ इज रन इनसाइड अराउंड इट। ठीक है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो पाथ जैसा जो बना ना इसका रीजन क्या होगा। हियर वी राइट एज कि 4 ट्रायंगल ए बी सी डी और अंदर वाले का नाम रख लेते हैं हम लोग पी क्यू आर एस। 4 ट्रायंगल ए बी सी डी लेंथ इज योर 8 मीटर एंड ब्रेथ इज योर 6 मीटर ओके एंड 4 PQRS 4 क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस लेंथ इज 8 माइनस 1 माइनस 1 दैट मीन्स 8 माइनस 2 6 मीटर एंड ब्रेथ इज ऑल्सो 6 माइनस 1 माइनस 1 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4 मीटर। पहले आप क्या कर लोगे डायमेंशन को निकाल लोगे, आफ्टर दैट यू फाइंड आउट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स 8 इंटू 6 48 मीटर स्क्वायर। आपको वॉइस क्लियर है उस पर काम करो बाबू। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ऑल्सो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट मीन्स 6 इंटू 4 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब क्या हमने कहा एरिया ऑफ सैडेड रीजन बोला है तो एरिया ऑफ शैडेड रीजन क्या होगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा मींस एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यस 48 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब एक और फिगर आपके सामने दे रहा हूं वो ये रेक्टेंगल और ए पाथ रनिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रेक्टेंगल एज पैरेलल टू द लेंथ एंड पैरेलल टू द ब्रेथ विड्थ ऑफ पाथ इज 2 मीटर विड्थ ऑफ पाथ इज 2 मीटर एंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज 16 मीटर एंड 12 मीटर। हम बोल देते हैं एक बार बोल देते हैं बोल देते हैं आप लोगों को 16 मीटर एंड 12 मीटर। यस लेंथ इज योर 16 मीटर ब्रेथ इज 12 मीटर
और अंदर वाले पाथ का जो है डायमेंशन दे रहा हूं 2 मीटर, इसमें जो पाथ जो बना आपका फिगर में फिर से दे रहा हूं, देख लीजिए, जिसमें लेंथ जो है इसका है 16 मीटर, ब्रेथ आपका है 12 मीटर, पाथ का जो रनिंग है वह 2 मीटर का है, ये भी 2 मीटर है आपका। तो इसमें हम पाथ का ही नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, और PQRS। हेयर फॉर ABCD लेंथ कितना हो जाएगा इसमें 16 मीटर, और ब्रेथ जो हो जाएगा वेट ऑफ पाथ दैट मीन्स 2 मीटर। फॉर PQRS लेंथ इज 12 मीटर, उसमें ब्रेथ हो जाएगा लेंथ के रूप में और वेट ऑफ पाथ उसका ब्रेथ हो जाएगा। और एक आएगा फॉर कॉमन पाथ, टू सेंटीमीटर, वेरी गुड। इसको मैं सीधे कर देता हूं, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ कॉमन पाथ। पाथ का एरिया निकालना है बाबू, यहाँ 16 × 2 पैरेलल लेंथ वाले का हो जाएगा प्लस 12 × 2 ब्रेथ वाले का हो जाएगा और माइनस 2 × 2 कॉमन पाथ का हो जाएगा, यानी 32 प्लस 24 माइनस 4 दैट मीन्स 656 माइनस 4 52 मीटर स्क्वायर। आप लोग बनाए हैं? स्नेहा छवि शानवी वंशिका सुमिता श्रीटी ओके रिधिमा हो गया। इसमें अगर हम दो पाथ को रन करा देते हैं अब, ठीक है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, आपके ब्रेन टीजर में भी क्वेश्चन है इस तरह का ना। चलिए
रेक्टेंगल इज गिवन, स्क्वायर लेते हैं इसमें, ए स्क्वायर फील्ड इज गिवन, ठीक है, होज डायमेंशन इज 32 मीटर एंड टू पाथ क्रॉस एज एंड वन पाथ क्रॉस एज इन विच दिस पाथ हैव 2 मीटर विड्थ एंड अदर पाथ हैव 3 मीटर विड्थ. जो पाथ हॉरिजेंटल वे में लिए हैं उसका विड्थ मैंने लिया है 3 मीटर और जो वर्टिकल पाथ के रूप में दिख रहा होगा आप लोगों के पास देयर विड्थ विल बी सॉरी देयर विड्थ बी 2 मीटर उसमें विड्थ 2 मीटर लिए हैं. अब आपको निकलना है एरिया ऑफ पाथ क्या होगा. ठीक है इसमें तो स्क्वायर है तो इसमें तो लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं सीधे सबका तो लेंथ सेम ही हो जाएगा 32 और ब्रेथ जो आप लिया हुआ है वो आप लोग के थ्रू बन जाना चाहिए. ये मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा नहीं. 3 मीटर जो है आपको जो हॉरिजेंटल पाथ जो गया है उस पाथ का विड्थ दिया हुआ है. यस जी जी हाँ कोई बच्चे बना रहे थे आंसर बोल रहे थे कोई बच्चा मेरा ये 212 मीटर. शाम भी कॉपी दिखाना बेटा. कितना बोल रही है सानवी. अच्छा चल अच्छा ओके सानवी रिलैक्स. हाँ स्नेहा का 136. अब चलते हैं हम एक बार हम बनाते हैं. हेयर योर एरिया ऑफ पाथ इज अगर मान लीजिए पैरेलल टू लेते हैं इसके विड्थ के सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो 13 × 3 प्लस 32 × 2 प्लस 32 × 2 माइनस दो पाथ है दोनों का सेम तरह से 2 × 3 × 2 96 प्लस 64 प्लस 64 माइनस 12 224 माइनस 12 212 यही ना सानवी. स्नेहा तुम क्या गलती की है देख लेना बाबू एक छूट गया होगा लगता है क्या. हाँ छोटा में मैंने जान के बना दिया खुशी. नहीं आप लोग अपना अलग बनाइएगा नाम देख करके ही. चलिए बहुत सुंदर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल.
फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल whose area, find the height of triangle whose area is 90 centimeter square. And its height is 12 centimeter. Its height is 12 centimeter. अच्छा सॉरी सॉरी उसमें बेस लिखे हुज बेस इज 12 मीटर सॉरी अच्छा बेस उसको कर देना कोई बात नहीं कोई बात सॉरी मैंने फाइंड हाइट ही बोला है ना सर ओके सॉरी फाइंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल हुज एरिया इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज 12 मीटर हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर तो आप पहले लिख दो एरिया ऑफ ओके खुशी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इसको इक्वेशन तरह से बनाते हैं इसमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया लिख देते हैं 90 1/2 बेस दिया है 12 इंटू एच इधर अगर सॉल्व हो रहा है तो 2 से काट देते हैं 90 इक्वल टू 6h तो 90/6 इक्वल टू एच सिक्स से 15 टाइम्स में कट जाएगा दैट मीन्स एच इज इक्वल टू 15 मीटर हाइट कितना आ गया 15 सेंटीमीटर हाइट इज 15 सेंटीमीटर अब सारे बच्चे को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपका है ए रोम्बस इज गिवन अच्छा बुक सारे बच्चे के पास है ना डाटा हैंडलिंग निकालिए तो जरा आप लोग उसके बाद चलेंगे दूसरा क्वेश्चन उसके बाद दूसरा चलेंगे फिर डाटा हैंडलिंग का पेज नंबर 239 निकाल लीजिएगा पेज 239 निकालिए चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ओके इफ द मीन ऑफ 7, 4, x एंड 10 इज 8 द वैल्यू ऑफ x इज कैसे इसको निकालते हैं हम लोग निकाल करके आपको कॉपी पर दिखाइएगा अपने अपनी कॉपी पर दिखाओगे सारे बच्चे 239 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का ए हेयर गिवन इफ द मीन ऑफ 7, 4, x एंड 10 इज 8 द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट मैं सॉल्यूशन आप लोगों से देखना चाह रहा हूं दिखाओ बेटा अच्छा वेरी गुड स्नेहा कंग्रेचुलेशन बहुत अच्छे बहुत सुंदर चलिए वेरी गुड और कोई बच्चे
हाँ शान भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और कोई बच्चे जल्दी आइए, 2 मिनट, 1 मिनट और रखेंगे आप लोगों के साथ, एक क्वेश्चन और बनवाना है। अच्छा चलिए आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का डी बनाइएगा आप लोग। वेरी गुड खुशी, क्वेश्चन नंबर वन का डी। हेयर क्वेश्चन इज गिवन, द मीन वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज 51 kg एंड द मीन वेट ऑफ 4 स्टूडेंट इज 54 kg। द मीन वेट ऑफ 9 स्टूडेंट विल बी। वेरी फास्ट, फिफ्टी टू पॉइंट 3 kg। चलिए टोटल टोटल सम कितना आया है स्नेहा? अच्छा चलिए, वेरी गुड। दैट मीन्स देयर आंसर विल बी बिटवीन 52 kg एंड 53 kg। Am I right? Okay.